नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल कुमार न्यूज में। क्या टोक्यो ओलंपिक में मिला भारत को पहला गोल्ड? रेसलिंग चैंपियन प्रिया मलिक को बधाई देते हुए लोगों ने की बड़ी गलती, देखेंगे दोस्तों इस वीडियो के अंदर में। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज पाने के लिए। दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक की शुरुआत शुक्रवार को हो चुकी है। पहले ही दिन भारतीय वेट लिफ्टर मीराबाई चानू ने भारत की पदक तालिका में सिल्वर मेडल जोड़कर इतिहास रच दिया। उसके बाद रविवार सुबह कुछ ऐसा हुआ जिसे लेकर हर कोई कंफ्यूज हो गया। सुबह से ही सोशल मीडिया पर भारत को पहला गोल्ड मिलने के संदेश के साथ वायरल हो रहा है भारतीय महिला रेसलर प्रिया मलिक का नाम। दोस्तों, आपको बता दें, ये ट्रेंड में चल रहा है। हर किसी को लग रहा है कि भारत को खेलों के महाकुंभ में गोल्ड मेडल मिल गया है, लेकिन सच कुछ और ही था। दरअसल हुआ ये कि भारतीय रेसलर प्रिया मलिक ने हंगरी के बूटापेस्ट में जारी विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियन में गोल्ड जीता है, पर लोगों को इसे लेकर गलतफहमी हो गई और उन्होंने इसे ओलंपिक से जोड़कर प्रिया मलिक के नाम और भारत के लिए बधाई संदेश भेजना शुरू कर दिए। हर किसी को ऐसा लग रहा है कि भारत को टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल मिल गया है, पर दोस्तों ऐसा नहीं है। सच्चाई ये है कि प्रिया मलिक विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियन में गोल्ड जीत गई हैं। इस वीडियो में यही अपडेट दोस्तों। अपनी राय और कमेंट जरूर दीजिएगा। हम आपको मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी और नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।